आज कला की इस अभिव्यक्ति के संदर्भ में जो सुंदर समन्वय दिखा तो मेरे मन में एक तथ्य आया, मैंने सोचा सदन के पटल पर रख दूं। जैसा सोनल मानसिंह जी ने कहा कि नाटू शब्द की उत्पत्ति नट से हुई है और भारतीय संस्कृति में जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जिसमें कि 9 रस हैं और एक शांत रस नहीं प्रयोग किया जाता क्योंकि नाट्य में उसकी अभिव्यक्ति नहीं संभव है, 8 प्रयोग किए जाते हैं। यह दक्षिण भारत की 2 फिल्मों से है। तमिल संस्कृति में तोलिकप्पयम जो उसी के समकक्ष है उसमें भी ठीक वैसे ही 9 रस हैं और उसमें भी शांत रस की ही अभिव्यक्ति नहीं होती है और 8 रस ठीक उसी सीक्वेंस में है जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। तो मुझे लगता है इस नाटू शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से है उसमें भी एक सुंदर समन्वय दक्षिण से उत्तर का दिखता है, जो अमृत काल के लिए बहुत सकारात्मक संदेश है।